बात इसरो से जुड़े हुए करते हैं। दरअसल आज इसरो ने फिर से सफलतापूर्वक GSAT-30 को लॉन्च किया है, जिससे माना ऐसा जा रहा है कि तकनीक के दुनिया में, खासतौर पर इंटरनेट के दुनिया में, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में पहुंचाया GSAT-30। इंटरनेट की दुनिया में अब आएगी क्रांति। शुक्रवार सुबह जब लोग उठे तो देश ने एक और कीर्तिमान रच दिया था। जी हाँ, 2:35 पर फ्रांस के फ्रेंच गुआना स्थित कोरोई द्वीप से इसरो ने GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण कर दिया, जो देश की संचार व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए है, जिसे देश में नए इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाए जाने की उम्मीद है। ये इसरो का साल 2020 का पहला मिशन है। बता दें कि GSAT-30 संचार उपग्रह INSAT-4A की जगह लेगा, जिसे साल 2005 में लॉन्च किया गया था। GSAT-30 का वजन करीब 3100 किलोग्राम है, जो लॉन्चिंग के बाद 15 सालों तक काम करेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसरो को बधाई देते हुए कहा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक क्षेत्र पर भारत की प्रतिभा और सामर्थ्य की पताका को लहराने वाली टीम इसरो द्वारा भारत के संचार उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किए जाने पर अनेकों शुभकामनाएं। चलिए अब आपको बताते हैं GSAT-30 की खूबियां क्या है। इससे देश की संचार व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी, वही देश में नई इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई जाने की उम्मीद है। इसकी मदद से देश की संचार प्रणाली, टेलीविजन प्रसारण, सैटेलाइट के जरिए समाचार प्रबंधन, मौसम संबंधी जानकारी और आपदाओं की पहले सूचना मिल पाएगी। साथ ही इसकी मदद से 5G इंटरनेट सेवा की देश में शुरुआत की जा सकती है। दरअसल GSAT-30 की जरूरत फिलहाल देश को इसलिए, क्योंकि देश का जो पुराना संचार उपग्रह INSAT सैटेलाइट है, उसकी उम्र अब पूरी हो रही है और देश में अब इंटरनेट की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं, 5G तकनीक पर काम चल रहा है, तो ऐसे में ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट की जरूरत थी, जिसके लिए GSAT-30 सैटेलाइट बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।